सुरक्षा। आज एक इंसान कोई काम करता है, उस काम के वजह से उसे घर में किसी खासी इनकम जाती है। एक इंसान काम करता है, उसके काम करने की वजह से उसके घर में अच्छी खासी इनकम जा रही है, बड़ी खुशी होती है कि इनकम जा रही है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये इंसान ये काम करना बंद कर दे तो क्या इसके घर पैसा जाएगा? कोई गारंटी नहीं है साहब, कोई गारंटी नहीं है उसके घर पैसा जाएगा। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होता है, नॉमिनी नाम लिखाना पड़ता है कि यदि हमें कुछ हो गया तो हमारे बाद में हमारे द्वारा की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। हमारा पूरा का पूरा बिजनेस उस नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, जो हमारे नॉमिनी में कुछ व्यक्ति को ट्रांसफर होता है और वह व्यक्ति वहीं से शुरुआत करेगा, ना कि एक रुपए भी कम से। डेली हमारा काम क्या है, ये हमारा क्या है, प्रॉपर सिस्टम एक प्रकार से गाड़ी है। गाड़ी समझते हैं आप, गाड़ी में देखा होगा आपने कितने चक्के होते हैं, चार चक्के होते हैं। चार आपने देखा है, पर सर एक और चक्का देखा है, क्योंकि मेरे पास सर गाड़ी है, पांच ही चक्का रखता हूँ। पांच चक्का क्यों रखते हैं कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, चले अपन अपनी गाड़ी में लगातार, हमको जाना मान लो यहाँ से जाना मंडला, चले जा रहे अपनी गाड़ी में, अचानक से गाड़ी का टायर एक तरफ का फट जाए, फूट जाए, क्या आप जा पाओगे? क्या नहीं जा पाओगे। परंतु यदि आपके पास स्टेपनी है तो आप उसको निकालोगे और वहां पर अपने टायर को लगा लोगे। राइट या रॉन्ग? सही बात ना। अब ये हम भी क्या है साहब, ये भी हमारी एक गाड़ी है। कल्पना करो एक बार, ये भी हमारी एक गाड़ी है। इस गाड़ी को लेकर के चले हम ऑफिस टिफिन लेकर के, इस गाड़ी को लेकर के चले हम फील्ड में, इस गाड़ी को लेकर के चले हम दुनिया के हर तरह के काम करने के लिए, इस गाड़ी को लेकर के कोरोना जैसे समय में जब जो दुनिया का खतरा था उस समय भी हम जिस गाड़ी को लेकर लगातार उसे चलते थे। सोचने की बात है साहब कि यदि कोई व्यक्ति अमर नहीं है, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, हर कोई व्यक्ति जाएगा, परंतु दूसरा व्यक्ति जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, स्टेपनी छोड़ के जाए। पर साहब मैं गारंटी देता हूं कि मैंने एक अपनी स्टेपनी तैयार कर लिया है, उस स्टेपनी का नाम है आरसीएम बिजनेस, कि जिस दिन यदि आपकी गाड़ी कभी पंचर हुई भी तो आरसीएम बिजनेस रूपी स्टेपनी आपके परिवार को कभी भी फाइनेंशियल रूप से कभी प्रॉब्लम नहीं होने देगी। उस बच्चे को, उस माँ बाप को, उस आपकी पत्नी को या जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको इस बात का दुख तो होगा या ये व्यक्ति जो है हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, पर इस बात की बड़ी तसल्ली मिलेगी कि चलो कुछ ना कुछ हुआ चाहे ना हुआ, पर इस व्यक्ति ने मेरे बारे में ख्याल रखा, वो ख्याल रखते हुए दुनिया की नेगेटिविटी सुना कि नहीं चलेगा आज से, नहीं चलेगा, पर चला के दिखाया। दुनिया ने बोली क्या तू कुछ नहीं कर सकता, सब फालतू का काम है, साबुन का काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वही काम कर। उसके बाद भी जो है इसने अपना पूरा घर का ख्याल रखते हुए, क्योंकि अपने घर से प्यार करता था। तो कहते हैं ना, जो इंसान जिस चीज से प्यार करता है उससे कभी वो जो है मतलब दूर नहीं होता है। तो हम काम करते क्यों करते हैं, परिवार के लिए। तो हमारे परिवार के लिए एक पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है कि अरे मैं तो अपने बच्चे को ना कलेक्टर की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूं, ये तो इसकी तैयारी करा रहा हूं, उसको तैयारी करा रहा हूं, खुशी होती है उसको बहुत ज्यादा। परंतु क्या उसके लिए नौकरी है? क्या सुना है नहीं है नौकरी। परंतु अगर वही व्यक्ति अपना ईगो को एक तरफ रख दे, अपने शर्म को एक तरफ रख दे, क्योंकि आरसीएम करने से एक चीज रोकता है इंसान को, उसका ईगो। मैं तो कलेक्टर हूं, मैं आरसीएम बताऊंगा, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं आरसीएम बताऊंगा, मैं तो टीचर हूं, मैं आरसीएम बताऊंगा, इस बात को एक तरफ रख दे और सिर्फ ये विचार करे कि मैं अपने परिवार के लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के लिए क्या कर रहा हूं। अपनी आंखें बंद करे, मतलब वो व्यक्ति कोई व्यक्ति और एक बार सोए, और सोने के बाद में जो है जब रात को 2 बजे नींद खुले, तो नींद खुले तो समय आए और आ करके उस कमरे में जो बेफिक्र होके उनकी वाइफ सो रही हैं, उनके बच्चे सो रहे हैं, उनके माँ बाप सो रहे हैं, एक बार उनको आप देखें और देख करके आपको लगे कि किसी दिन आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, तो क्या वो बच्चे, क्या वो महिला वैसे सो पाएगी आपकी वाइफ? यदि आपका दिल करे ना कि नहीं यार बिल्कुल नहीं सो पाएगी, तो इस स्टेपनी को आप जरूर से तैयार करो कि अगर आप नहीं रहोगे तो वही चैन की लोग सोते रहेंगे, क्योंकि बिजनेस आपने तैयार कर दिए। मानते हैं नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, परिवार के लिए। हम पैसा किसके लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए। हम परिवार के लिए क्यों कमा रहे हैं, परिवार से हमको प्यार है। जब परिवार से प्यार है तो उसकी सुरक्षा के लिए आरसीएम क्यों नहीं? भाई परिवार से आपको प्यार है ना, तो उसके लिए आपको दुनिया से लड़ जाते हो कि नहीं मेरा ना परिवार ऐसा है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरा ये है, मैं सब कुछ करूंगा, बहुत पढ़ाऊंगा, बहुत खर्च करूंगा, सब कुछ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आरसीएम क्यों नहीं? क्यों शर्म आती है इसको करने से? शर्म नहीं आती साहब, कुछ हमारी आदतें हैं, वो आदतें नहीं बदल पाती है, इसलिए हम आरसीएम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये हुआ एक मेरा लास्ट काम जो था, क्या कि सुरक्षा।
कुछ करें या ना करें, एक बार आप अपने यहाँ से घर जाएं, गंभीरता से सोचें कि हम ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जो हमारे बच्चे के, हमारे परिवार के आगे फ्यूचर में काम पड़ेगा। अगर आपको लगे कि हमने कोई तैयारी नहीं किया साहब, कभी हमारे हाथ पैर हो जाए, हम काम ना करें, तो पैसा ना रुक जाएगा, हमारे बच्चों के सामने कोई हालत नहीं रहेगी, मतलब उन लोगों की। अगर आपका दिल करे कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, पढ़ाई तो खूब करवा रहा हूँ, सेविंग भी खूब कर लिया हूँ, कई लोग को बड़ी खुशी होती है कि मैं तो LIC की पॉलिसी ले लिया हूँ, मैं तो इसकी पॉलिसी ले लिया हूँ। लेकिन सोचने वाली बात है साहब कि LIC का पैसा आएगा एक बार, पर RCM में एक साल, दो साल, तीन साल दीवानगी से कर लिए, इसका पैसा आएगा पूरी जिंदगी भर और बार 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 आपके परिवार को। इसलिए करना है साहब, इसलिए करना है कि भाई हमारे परिवार में सुरक्षा मिल सके, इसलिए करना है कि हमारे परिवार में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको करेंगे, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों का सामना करो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ लोग एक्सक्यूज रहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। मैंने अच्छे अच्छे गरीब लोग जिसके पास सुबह का नहीं है तो शाम को नहीं है, उनको इस बिजनेस में काम करते हुए देखा है और सफल होते हुए देखा है। पैसे नहीं है, पैसा सब एक्सक्यूज रहता है। अरे लोग होते हैं ना, उनको जुड़ जाते हैं, 1000 रुपया नहीं है, बोलता है 1000 रुपये का सामान नहीं ले सकता, ऐसा बोल रहा है जैसे कोई अपन 1000 रुपये छुड़ा रहा है, 1000 रुपये का नहीं ले सकता सामान, नहीं ले सकता सामान, होने दो जरा उसके बच्चे का एक्सीडेंट, गलत बात नहीं बोला, रियल की बात, किसी में बदलाव भी नहीं कर रहा, होने दो उसके बच्चे का एक्सीडेंट, किसी परिवार के अच्छे व्यक्ति जिसका वो चाहत है उसका एक्सीडेंट, 1000 क्या 10000 के 1 लाख निकल जाएंगे। जिस दिन साहब ये बिजनेस आपको सीधा से समझ में आ जाए ना, तो 1000 रुपये निकलेंगे नहीं, काम के लिए आप निकल जाओगे। बस ये बिजनेस हमको समझ में आना चाहिए। लोग रोकेंगे टोकेंगे, पर हमको लोग बात नहीं सुनना है ना, हमको इसलिए करना है कि भाई हमारे बच्चों के सपने पूरे करना है। कभी ऐसा मौका ना आए कि हम अपने बच्चों को किसी होटल में ले जाए, उसका कुछ खाने का मन हो, वो चुपचाप बेचारा देखते रहे, हम खिला ना पाए, इसलिए बिजनेस करना है कि हम उसकी हर मांग को पूरी कर सकें। वाइफ को आपने देखा होगा, सबकी वाइफ होती है ना, तो क्या होता है कि उन लोग जैसे मांग भरती है, इतनी सारी फर्स्ट टाइम इतनी सारी भरता हूँ मांग, भरता है ना, बाद में छोटी सी हो जाती है, क्यों हो जाती है, मांगे नहीं कर पाते बेचारा, उसको मालूम है आइटम कुछ नहीं कर पाएगा, इतनी जरूरत है ना, तो इसलिए करना चाहिए साहब। और बिजनेस क्यों नहीं कर पाते, हमारी आदतें, आदतें हमारी अच्छी ना होने की वजह से नहीं कर पाते। आदतें मतलब, अगर आप आज एक, आपको बहुत शानदार मैसेज दे रहा हूं कि आज एक व्यक्ति सफल है तो उसकी आदत की वजह से सफल है, और एक व्यक्ति असफल है तो उसकी आदत की वजह से असफल है, सिर्फ आदत का असर है सर, बताता हूं कैसे। एक सफल व्यक्ति है जो लाखों रुपए कमा रहा है, आर्थिक बिजनेस से टेक्निकल अचीवर है, उसको भी सुबह सुबह उठ के प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता। एक असफल व्यक्ति है, उसको भी सुबह सुबह प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता। सही बात करें, अपन एक बार चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक कोई व्यक्ति है, दो प्रकार के व्यक्ति है, जो कि बहुत सारा पैसा कमाता है, एक कम पैसा कमाता है। तो एक व्यक्ति है, उसको भी सुबह सुबह घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, 5 बजे उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, और एक असफल व्यक्ति, उसको भी 5 बजे उठना पसंद नहीं है। लेकिन सफल व्यक्ति ने 5 बजे उठ के उठने की आदत बना डाली, और इस असफल व्यक्ति ने ना उठने की आदत डाल ली। आप जो भी अपनी आदत की वजह से, एक सफल व्यक्ति लगातार रूप से प्लान दिखाना उसमें पसंद नहीं है, उसको भी पसंद नहीं है कि भाई मैं प्लान दिखाऊं, है ना। तो एक सफल व्यक्ति को भी प्लान दिखाना पसंद नहीं है, असफल व्यक्ति को भी प्लान दिखाना पसंद नहीं है, पर सफल व्यक्ति ने प्लान दिखा दिखा के प्लान दिखाने की आदत डाल ली। असफल व्यक्ति ने प्लान ना दिखा करके असफल होने की आदत डाल ली। तो ये काम है सर, सफलता वाले और भी बहुत कुछ है कहने के, लेकिन क्या है, मेरे भी जस्ट जबलपुर मीटिंग से मेरे को वहां पर निकलना होगा, इसलिए जो मेरी बातें थी लगभग मैंने बातों को क्लियर किया, ठीक है। बस ये है सर, आप अपने आप का थोड़ा सा बदलाव करें, हर कोई बदलाव करें, मतलब इतने एनर्जेटिक रूप से जाए ना कि सामने वाले पूरी हवा खुल जाए और आपसे ज्वाइनिंग को तैयार हो जाए। अपने आप को बदलो साहब, सबसे पहले बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो पहले खुद को बदले, सामने वाला ऑटोमेटिक बदल जाएगा, और हमारा बिजनेस आप बहुत शानदार है, इस बिजनेस से बड़ा बिजनेस कुछ नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि बहुत सारी चीजें आपके सामने शेयर कर दिया, बहुत सारी बातें जो अपन फिर कभी शेयर करेंगे अगली बार, मेरे को मौका मिलेगा तो। और जो है इस बिजनेस में आप आए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, कहते भी आसिम साहब बड़ी किस्मत से मिलता है, क्योंकि करोड़ की इंडस्ट्री आपको सब समझ में आ गई, बहुत बड़ी बात है ना, वो समझ में आ गई तो निश्चित तौर पर आप बहुत ज़्यादा जाएंगे, आगे जाएंगे। बस अपने परिवार के सपने जागृत रखे रखें सर, जिस दिन भी आपको लगे कि बिजनेस नहीं कर पा रहे, अपने परिवार के बारे में सोचें। बस सर, एक मिनट लास्ट स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद क्लोज करूंगा, ठीक है। स्टोरी क्योंकि आज मैंने बता ही नहीं पाया, लास्ट स्टोरी बता रहा हूँ सर, मीटिंग समझ में खत्म हो जाएगी। क्या होता है, एक बार की बात है, एक बच्चा रहता है, अपने पापा को बोलता है कि पापा मैं इस बार ये फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, आपको आना है। पापा को बोलता है, पापा नहीं आते हैं। एक बार और कि स्कूल में रेस प्रतियोगिता होती है, रेस मतलब दौड़ प्रतियोगिता,
तो अपने पापा के पास जाता है, पैर पड़ता है और बोलता है, पापा जी ये जो दौड़ प्रतियोगिता है ये मेरे लिए जिंदगी मौत के समान है, आप जिंदगी मौत ही समझ लो, चाहे कितनी मुसीबत आए कुछ भी आए आपको इस मतलब रेस में आपको आना है। उसके पापा कुछ नहीं बोलते, वहां से चले जाता है। अगले दिन प्रतियोगिता स्टार्ट होती है, सारे के सारे बच्चे ट्रैक में रहते हैं, ये बच्चा भी ट्रैक में खड़े रहता है, सब तरफ देखता है, सबके पापा नजर आते हैं, उसके पापा उसको नजर नहीं आते, बड़ा दुख होता है। कई बार रिक्वेस्ट किया, इस बार ये तक बोला मैंने कि ये जो रेस है मेरे लिए जिंदगी मौत के समान है, पर इसमें भी मेरे पापा मेरा सहयोग करने के लिए नहीं आते, कुछ देखे नहीं, यही बात तो बोल देते। तो ऐसा वो देखता है, एक सिटी बसती है, चारों तरफ देखता है, चारों तरफ सभी के पापा नजर आते हैं, उसके पापा बिल्कुल नजर नहीं आते, बड़ा दुख होता है उसको कि यार मैंने पापा को रिक्वेस्ट किया पर पापा नहीं आए यहाँ पर, बड़ा दुख होता है उसको। दूसरी सिटी बसती है, सब लोग अटेंशन में हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि हाँ अब दौड़ना है। तीसरी सिटी जैसी बसती है, अचानक से देखता सामने पापा नजर आते हैं, इतनी एक्साइटमेंट के साथ दौड़ता है, इतनी एक्साइटमेंट के साथ दौड़ता है कि फटाक से गिर जाता है, गिरता है, फिर उठ के देखता है पापा आए हैं, फिर दौड़ता है, इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता, फिर अगले 10 कदम जाता है, फिर गिर जाता है, ऐसा वो लगभग 8 बार गिरता है और 8 बार उठता है। पर जब पापा को देखता है तो अंदर से एक आवाज आती है, पापा आए हैं, पहली बार आए हैं, कुछ ना हो जा रहा, जान की बाजी लगा लगा दो, पर इस रेस को जीत के दिखाना है, इस रेस को जीत के दिखाना है। वो और दौड़ता है और दौड़ता है, फाइनली मैच जो रेस है वो खत्म हो जाती है। अब सीधी सी बात है कि भाई जब ये 8 बार गिरा कहां से जीतेगा साहब, हार जाता है, उस ट्रेक लाइन के पास में जाता है, घुटने टेकता है और वहां पर रोने लगता है, बहुत तेजी से रोने लगता है, उसको बहुत दुख होता है कि पहली बार मैंने अपने पापा को बुलाया और उनके सामने जीत के नहीं दिखाया। अचानक से उसके कंधे पर एक हाथ आता है, उस बच्चे के कंधे पर एक हाथ आता है, वो हाथ उसके किसी और का नहीं, उसके पापा का रहता है, उसके पापा उसको गोद में उठाते हैं, उसका जो खून निकलता रहता है उसको पोंछते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, बेटा कौन कहता तू हारा है, कौन कहता तू हारा है, ये बच्चे लोग एक बार जीते, तू 8 बार जीता है, तू 8 बार जीता है। जब भी आपको लगे ये बिजनेस आपसे नहीं हो पाएगा, एक बार साहब अपने परिवार की हालत जरूर देखिए, जब भी आपको लगे बिजनेस ना, बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, सारे लोग फलाने बना दे रहे हैं, फलाने नहीं बोलता साहब, बहुत परेशान करते हैं लोग ना, कभी अब मैं तो अपनी स्टोरी शेयर नहीं किया, कभी अपनी स्ट्रगल की कहानियां शेयर करूंगा अगर मौका मिलेगा तो भी बताया मैंने कि जब भी आपको लगे बिजनेस नहीं हो पाएगा ना, अपने परिवार के बारे में सोचिए, यार हमने भाई इनको जन्म दिया, बच्चे को इसको सक्सेस कराना है, वाइफ के बारे में सोचिए कि भाई जो अपने हर परिवार को छोड़ के मार्के में इसके बताओ मम्मी पापा भाई बहन, क्या उनसे लगाओ उसको नहीं था क्या, हाँ पर उन सभी को छोड़ के आई है, क्यों आई है कि इस आइटम के साथ रहूंगी तो सारा जिंदगी थोड़ी अच्छी सुधर जाएगी, 18-20 साल से तो बने ही से कम से कम कुछ जाएगी। तो उस आप वाइफ के बारे में सोचिए, वो बच्चों के बारे में सोचिए जिनके आप आइडियल हो और हमेशा आप उनके आइडियल रहने लगो, क्यों, क्योंकि बच्चे लोग जो है ना छोटे रहते हैं सबसे ज्यादा ताकतवर अपने पिता को मांगते हैं, क्या इसके बराबर है दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं, पर जब देखते ना पिताजी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वहां से पिताजी की तस्वीर को हटा देते हैं और सचिन तेंदुलकर पे लगा देते हैं, क्योंकि बोलते हैं पसंद जिंदगी में ना सचिन तेंदुलकर बनना है, ये आइटम कुछ नहीं कर सकता है, ये साहब इनकी हकीकत है। तो मेरा यही कहना है कि जब भी आप बिजनेस से हारो, जब भी आप बिजनेस से थको, लगे कि लोग मना कर रहे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं मेरे से, आज की होगा नहीं, फालतू काम लोग बोलते हैं, ये बोलते बोलते हैं, अपने परिवार की तरफ सोचा था, परिवार की तरफ जब आप सोचोगे ना आपके अंदर से एनर्जी जागेगी, और जिस दिन आपके अंदर से एनर्जी जाग गई ना साहब, तो दुनिया की ताकत क्या कोई आपको रोकने वाली नहीं है। बस इसी के साथ साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, मेरे से बोलने में किसी को अपडाउन कुछ लगा होगा तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा, जिसको बहुत सारा अगर जिससे कुछ बोलना है, पर्सनल कॉन्टेक्ट करना है, किसी निगेटिव इंसान से बात कराना है, तो आप जब बिंदास मेरे से जो है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे उससे आप बात करा सकते हैं। नाम है आप सभी ने इतना सारा समय दिया, इतना सारा स्नेह सम्मान दिया, सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए एक मिनट के लिए बैठ जाइए और एक बार जो है नरेश दास सर के लिए एक बार आपसे तय दिन से दो नाम के लिए बताए।